को मानने के बजाय कि हमसे मतलब हमसे कोई प्रॉब्लम, उसके साथ जबरदस्ती रहना चाहता, जबरदस्ती संबंध बनाने के चक्कर में जैसे कुछ हुआ, इस चीज का वो हमेशा विरोध करती थी। भाभी पर रखता था गंदी नजर, वो भाभी के साथ जबरन संबंध बनाना चाहता था, लेकिन भाभी ऐसा नहीं चाहती थी। इसके बाद देवर शैतान बन गया और उसने ऐसी वारदात को अंजाम दे डाला जिसे ना तो भाभी ने कभी सोचा था और ना ही परिवार वालों ने। दिल और दिमाग को हिला देने वाला ये मामला जालौन के कुरचौली गांव का है, जहां देवर अपनी भाभी पर बुरी नजर रखता था, बल्कि देवर भाभी को पहले अपने साथ जंगल की तरफ ले गया। इसके बाद इस दौरान देवर ने भाभी के साथ रेप करने की कोशिश भी कर डाली, लेकिन भाभी ने इसका विरोध किया और देवर को ऐसा करने से रोका भी, जिससे आरोपी देवर बौखला गया। बल्कि पहले उसने भाभी को मौत के घाट उतार दिया, बल्कि सबूत मिटाने के लिए शव को जला भी डाला। वो तो आरोपी की इस करतूत को गांव वालों ने देख लिया और तुरंत पुलिस को इसकी सूचना भी दे डाली। महिला के पति ने खुद इस बात का खुलासा किया कि आरोपी उसकी पत्नी पर शुरू से ही बुरी नजर रखता था। वो बीवी को मानने के बजाय कि हमसे मतलब हमसे कोई प्रॉब्लम, उसके साथ जबरदस्ती रहना चाहता, जबरदस्ती संबंध बनाने के चक्कर में जैसे कुछ हुआ, इस चीज़ का वो हमेशा विरोध करती थी। हाँ, कभी दारू पीना, मतलब हाथ पकड़ना, कभी बदतमीजी, हर प्रकार की मतलब ये सब कुछ करना। बेटी के साथ में थी तो बेटियों को भगा दिया उसने? हाँ, बेटियों को भगा दिया, अकेले लेके चला गया। जब इतनी लड़ाई चल रही थी तो अकेली क्यों गई साथ में? अभी सर मुझे धोखा वो उसके साथ ऐसा हो गया है कि वो नई साल को आया, पैर छुआ और रोया हुआ, तो वो माफ़ कर दिया, चलो कोई बात नहीं है। 12 साल में पहली बार पैर छुआ इसने, अच्छे से बोला तो उसका दिल खिलक गया। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया, बल्कि पुलिस ने तुरंत एक्शन लेकर आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया। उन्होंने बताया है कि उनके छोटे भाई अविनाश ने उनकी पत्नी की हत्या कर दी है, उसके बाद उनके शव को जलाने की भी कोशिश की है और वो इसी तहरीर के आधार पर FIR पंजीकृत कर ली गई है थाना नदी गांव में, और साथ ही साथ बॉडी को कब्जा पुलिस में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स भी देखा जाएगा और साथ ही साथ अभियुक्त की तलाश के लिए दबिशें दी जा रही थी। अभियुक्त को अभी जो है पुलिस की दबिश के पश्चात पकड़ लिया गया है, पूछताछ की जा रही है पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेकर। साथ ही पुलिस ने इस मामले में एक बड़ा खुलासा भी किया। भाभी देवर को अपने बेटी की तरह मानती थी, लेकिन देवर भाभी पर ही बुरी नजर रखता था और फिर उसने ऐसी घिनौनी वारदात को अंजाम दे डाला जिसके बारे में किसी ने कभी सोचा भी नहीं था, बल्कि आरोपी ने भाभी और देवर के रिश्तों को भी कलंकित कर दिया। इस खबर पर आपका क्या कहना है जरूर बताएं और देखते रहिए